नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कश्मीर प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान इस्लाम की उम्मत को हवाला देकर मुस्लिम लोगों को एकजुट करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के खालिस्तानी मंसूबे को फरमान चढ़ाने की साजिश हो रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने सरहद पार के हिंदुस्तान मुसलमानों को बहकाने की पुरजोर कोशिश भी जारी है। व्यापक मंसूबे को गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में अंजाम देने के लिए पाकिस्तान बार बार अपने दोहरे चरित्र को जगजाहिर कर देता है। पाकिस्तान की इस खोखली हमदर्दी का सनसनीखेज खुलासा करना बेहद जरूरी है। ये जानकर हर कोई चौंक जाएगा कि पाकिस्तान पिछले 25 सालों में 150 बाबरी कांड कर चुका है। तारीख थी 23 मई 2018, रात 11 बजे से 3 बजे के बीच का वक्त था और जगह थी पूर्वी पाकिस्तान का सियालकोट, जहां कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ 135 साल पुराना मस्जिद को ढाने में जुटी थी और इस नापाक काम में पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी भी उसका साथ दे रही थी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये मस्जिद अहमदिया मुसलमानों की है, जिसे कट्टरपंथी मुसलमान नहीं मानते। ये जमीन पिछले 135 सालों से अहमदिया मुसलमानों की है। पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरुल्ला खान तक यहाँ नवाज पढ़ चुके हैं, लेकिन अहमदिया जमात से दुनिया भर में कई मशहूर नामों की यादों में दर्ज रही ऐतिहासिक मस्जिद को गैरकानूनी बताकर गिरा दिया गया। इन मुसलमानों को पाकिस्तान के कट्टरपंथी नफरतों की कदियानी बुलाते हैं। 1947 में बंटवारे के वक्त उन्होंने मोहम्मद अली जिना के कहने पर जिस पाकिस्तान को चुना था, कट्टरपंथी सोच के बढ़ने के साथ उस पाकिस्तान ने उन्हें मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 100 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत का मंडी शहर का इलाका, जिसे मोंग कहा जाता है, जहां 7 अक्टूबर 2005 को रमजान की दूसरी तारीख के मौके पर मस्जिद के 150 अहमदिया मुसलमान जुम्मे की नमाज के लिए एकजुट हुए थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए दो कट्टरपंथियों ने मस्जिद में घुसकर गोलियां बरसा दी। हमले की वजह से अहमदिया मुसलमानों से नफरत थी और इस हमले के मौके पर ही 8 अहमदिया मुसलमान मारे गए और करीब 2 दर्जन घायल हो गए। सन 1984 में अब तक यानी अक्टूबर 2019 तक यानी 25 सालों से पाकिस्तान में उनके करीब 150 मस्जिदों को मटिया मोट कर दिया गया और इस गुनाह में शामिल कट्टरपंथियों पर कार्रवाई तो दूर, उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, उनके खिलाफ केस तक दर्ज नहीं किया गया। अयोध्या में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और उसके कट्टरपंथी मुसलमान मुस्लिम उम्मत के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान उन्हें आईना दिखाने के लिए खड़े हो गए हैं? करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान में हर तकवे को धार्मिक आजादी की डंका पीटने वाले वजीर आजम इमरान खान का सफेदी झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पिछले ही महीने यानी 26 अक्टूबर को जब पाकिस्तान ट्विटर पर करतारपुर की ब्रांडिंग पर अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान के बहावलपुर में अहमदिया मुसलमानों की इस मस्जिद के दिन दहाड़े जबरन ढाह दिया गया था। मस्जिद को बचाने के लिए खड़े हुए अहमदिया मुसलमान पर डंडे बरसाए गए, उन्हें खदेड़ दिया गया, बकायदा बुलडोजर चलाकर इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैसियत में है। 11 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में इनकी संख्या लगभग 25 लाख के करीब है। धार्मिक अधिकारों के साथ साथ उनके सामान्य नागरिक अधिकार भी पाकिस्तान ने छीन लिया है। उनकी हत्या करने वालों के खिलाफ पुलिस केस तक दर्ज नहीं करती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रकवा इलाके में कभी अहमदिया मुसलमानों का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसे कट्टरपंथियों के खूनी हमले के बाद इंग्लैंड शिफ्ट कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है, जिस पाकिस्तान को अहमदिया मुसलमानों की बेवजह हत्या को लेकर पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र से सख्त हिदायत दी जा चुकी है, जिसे दुनिया भर आतंकवादियों के नाम से जान रही है, वो अब हिंदुस्तान को धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यधारा के मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह के रसूल और पैगंबर मानते हैं, जबकि अहमदिया समुदाय के लोगों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब तो अल्लाह के रसूल हैं ही, लेकिन वह अल्लाह के रसूल नहीं है। इसी मान्यता को लेकर पाकिस्तान में उन्हें हाशिया पर धकेल दिया गया और कट्टरपंथियों का असर बढ़ने के साथ 1974 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया मुसलमान को गैर मुसलमान करार दे दिया। तब से अब पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की जिंदगी जहन्नुम हो गई। उनके साथ जानवरों जैसा वत्सलूक होता है, उन्हें सीधा निशाना बनाया जाता है। 1994 में अब तक पाकिस्तान में 150 से ज्यादा बाबरी कांड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने में लगे तो हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे ही देश में मुसलमान दो मुल्कों में बटे हुए हैं।
आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।